अक्का बक्का धूम धड़क का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश के एस, और आज हम बात करने जा रहे हैं वोटिंग के बारे में। तो वोटिंग वाली वीडियो मैं अभी डाल रहा हूं। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार आपने वोटिंग तो रखवा ली, वोटिंग हम लोगों ने कर भी दी, अब उसका आगे क्या यार, वोटिंग लिस्ट तो जारी करो, है ना, कि परिणाम जानने के लिए आपको सिर्फ 2 पल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अभी आपको परिणाम दिखा देता हूँ। तो परिणाम कुछ इस हिसाब से हैं कि 83 लोगों ने ही इसमें अपना रिस्पांस दिया है, मतलब 83 लोगों ने इसमें अपने रिकॉर्ड जमा करवाए हैं, इसमें से एक मैं भी हूँ। तो एक्चुअली 82 लोगों ने टोटल ने वीडियो को देखा अच्छे से, जिसमें मैंने बताया था कि आपको वोटिंग करनी है, और 83 लोग यहाँ पे आए। तो आपको लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वोटिंग करने के लिए। तो अब देखते हैं रिस्पॉन्स की तरफ, जाते हैं हम, 1 2 3 गो। तो ये है रिस्पॉन्स हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा था दीज आर द गेम्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं हमारी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास को। एक्चुअली आपको पूरा मैं चार्ट दिखा दूंगा, पहले आप एक बार इसको देख लें कि वाई सिटी को मिले 22 वोट्स, और सैन एंड्रियास को 32, वॉच डॉग्स 1, और मैक्स पेन की सीरीज को 27। ऐसे मैंने काफ़ी सारी गेम्स रखी थी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रही, तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कितनी किसको वोट मिले हैं, कौन सी गेम जीती है, कौन सी हारी। वैसे हारी तो कोई भी नहीं है। तो हम इसके बेस पे हमने करना था कि आगे आने वाली वीडियोस मेरी इसी बेस पे होंगी। तो ये रही वोटिंग की मेन जो हमारी है सौदा, तो सौदा हमारा ये रहा मेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे है GTA San Andreas को 32 वोट्स के साथ, तो तालियां। अगली है मैक्स पेन 27 वोट्स के साथ, DBC मतलब डॉन ब्रैडमैन को मिले हैं 25 वोट, प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड CS:GO को 24, और ऐसे ही पूरी लिस्ट भरी हुई है 21 तक, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ये माफिया 3 रॉयल बैटल है ना, ये इनको ये एक्स्ट्रा में वोट किए गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माफिया को 3 वोट मिले हैं। माफिया की सीरीज़ में एक्चुअली ऐसे शुरू करने वाला हूँ, तो ये मेरी माफिया मेरी फेवरेट गेम है। तो ये वाले गेम्स जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये तो मैं गेम शुरू करूँगा ही करूँगा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे इसके पास 0 वोटिंग हो, पर मैं ये वाली वीडियो तो ज़रूर ही करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले गेम्स मैं ज़रूर करूँगा, और जो ऊपर वाली वीडियोज़ हैं इनको भी करूँगा, पर इनको जिस ऑर्डर से आपने वोट किया उनको उतने ही मैं उस हिसाब से खेलूँगा, कि जैसे सैन एंड्रियास को ज़्यादा खेलूँगा और एलेनोर को कम खेलूँगा, मैड मैक्स को और थोड़ा ज़्यादा खेलूँगा एलेनोर से, तो डॉन ब्रैडमैन को मैं और अच्छा से खेलूँगा एज़ कम्पेयर टू वाइस सिटी से। तो ये कुछ बातें थी। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला बहुत ही बढ़िया, तो इसके बेस पे मैं आगे आने वाली वीडियोस अपनी करूँगा। जो आपको ये वाली नीचे गेम दिख रही है ना, ये वाली, ये तो मेरी फेवरेट है, ये सदा बहार हैं, ठीक है। तो ये वाली मैं ज़रूर करूँगा, जैसे माफिया 2 एंड 3, GTA 4 एंड 5, रॉकेट लीग, जेम्स बॉन्ड ब्लडस्टोन, और असैसिन्स क्रीड की 2, ब्रदरहुड रेवोल्यूशंस 3, लिबरेशन 4, ब्लैक फ्लैग, फ्रीडम क्राय, रोग, और यूनिटी, सिंडिकेट, ओरिजिन्स, ये तो मैं करूँगा ही, और स्प्लिंटर सेल तो थोड़ी दिन में शुरू भी करूँगा। और जो निंटेंडो गेम्स है, जैसे आपको याद है कि मारियो की आती थी पहले, लेजेंड ऑफ केज, कॉन्ट्रा, वो वाले गेम भाई मेरी बहुत ही फेवरेट है। आप लोग कहेंगे कि वो क्यों खेल रहा हूँ, पर भाई वो मेरी खुद के लिए, ठीक है, मुझे गेम्स बहुत पसंद हैं, और मैं इस पर कोई बात नहीं सुनना चाहूँगा कि भाई ये वाली गेम्स ना करूँ। वैसे आपको भी पसंद ही होंगी यार मेरी बचपन की गेम है, तो एक दो बार तो खेल सकता हूँ उसको मैं, है ना, खेल सकता हूँ ना। तो उसके बाद है शेरलॉक होम्स की सीरीज़ है एक बड़ी अच्छी, उसमें डेविल्स डॉटर है और काफ़ी सारी हो रहे हैं, क्राइम्स एंड पनिशमेंट ऐसा कुछ नाम है उसका। टॉम रेडर की सीरीज़ करूँगा, टॉम रेडर की मैं करूँगा मीडियम लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो से नहीं करूँगा, ज़ीरो से जैसे मैंने शुरू की थी हमारी, कौन से की थी मैंने, ज़ीरो से IJ की थी मैंने, बिल्कुल 1 से 2, है ना, IJ 3 नहीं है मित्रों, कई लोगों ने वोट किया है, एक्चुअली एक लोगों ने किया है, IJ 3 को 1 वोट मिला हुआ है, और डेजर्ट स्टॉर्म को भी 1 मिला। डेजर्ट स्टॉर्म मैंने बहुत बार खेली हुई है, तो आई गेस मैं मन तो कर नहीं रहा गेम खेलने का, क्योंकि बहुत मैं खेल चुका हूँ, खेल खेल के मैंने धुआं निकाल रखा था PC का, ठीक है, तो इसीलिए पता नहीं करूँ कि ना करूँ। पर ये वाली गेम्स जो आपको दिख रही है रेनबो सिक्स सीज, ये वाली गेम्स भाई साहब मैं ज़रूर करूँगा, और जो आपको ये मतलब ये भी सारी गेम्स करूँगा, पर इनको उस हिसाब से करूँगा जिसको आपने ज़्यादा वोट किया उसको ज़्यादा खेल लूँगा, जिसको आपने कम किया जैसे स्माइट और गोट सिमुलेटर को आपने बहुत कम किया है, तो इसको बहुत मुश्किल से खेलूँगा महीने में एक बार मुश्किल से, ठीक है। तो ये थी बात, आशा करता हूँ आपको वोटिंग पसंद आई होगी। वैसे
पसंद आने की बात कि आप लोगों की पसंद है, मेरी पसंद तो कुछ है नहीं। चाहे तो आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही वोटिंग मैंने, मेरे को उसमें आधा घंटा लगा था वीडियो को मतलब पूरा जचाने में। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसे मुझे काफ़ी देर लगी थी, घंटा दो घंटे लगे थे मुझे बनाने में, पर बन गई आखिरकार और बिल्कुल करेक्ट बनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि आगे आगे वीडियो कब हम करेंगे। तो ये है भैया मेन बात, ठीक है। आपको ये वाली वीडियो मिलेगी अराउंड अराउंड 9 तारीख को, क्योंकि थोड़ा मैं अपने चैनल को देख के चलना होगा ना मुझे। और आपकी अगली Q&A वीडियो मतलब Q&A आंसर वीडियो वो आपको मिलेगी ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद, क्योंकि मेरे पास आपको पता है मैं डाल तो दूंगा पर उसमें आप लोगों ने कई कमेंट आए हैं फेस रिवील के, तो फेस रिवील भैया कैसे करूँगा, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है और जो लैपटॉप का कैमरा होता है वो आपको पता है कैसा होता है, रद्दी बिल्कुल, तो फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, तो कैसे होगी रिकॉर्डिंग मेरे फेस की। तो देखते हैं कि क्या करेंगे, बिना फेस के करेंगे Q&A या नहीं करेंगे। Q&A तो होगा भाई, ये तो पक्का है कि Q&A होगा, पर ये नहीं पता कि फेस उसमें दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो एक और बात थी जो आप लोगों से मेरे को करनी थी, वो थी कि मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, पर लाइव स्ट्रीम मैं करूँगा 20 तारीख के आसपास। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले एक टेस्ट रखा था, टेस्ट लाइव स्ट्रीम मैंने किया था, तो उसमें काफ़ी लोग आए थे, एक ही बारी में 5-6 लोग आ गए थे, तो बहुत आपका शुक्रिया आने के लिए। पर 20 तारीख के बाद मैं करूँगा अपनी मेन फुल फ्लैश्ड विदाउट फेस कैम, ठीक है, विदाउट फेस कैम करूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं जिसमें अपना मुंह को रिकॉर्ड करके उसमें डालूँ, ठीक है। तो गेम प्ले होगा और मेरे पीछे से आवाज़ होगी, ये वाली ख़राब सी मेरा गला ख़राब रहता है तो ठीक है, ये वाली आवाज़ आपको मिलेगी और गेम प्ले मिलेगा और हम करेंगे लाइव स्ट्रीम। तो देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, वो आपको मैं बता दूंगा सर, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो लगाओ हैशटैग जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको गेम्स पसंद है उसका आप हैशटैग लगाओ, ठीक है, ऐसे लिख दो हैशटैग गेम का नाम, फिर मेरा नाम हितेश के एस, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा पूरा नाम क्या है, काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए कि हितेश के एस मतलब क्या है, पर नहीं यार अभी सर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो Q&A वीडियो में है पहले से ही एक क्वेश्चन ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो Q&A वीडियो में आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो स्लीप इन डॉग्स का मिशन हमारा एक रह गया है और IJ का भी एक रह गया, तो जल्दी जल्दी इनको निपटा देते हैं। स्लीप इन डॉग्स तो थोड़े दिन में आपको मिल ही जाएगी, कंप्लीट हुई आई गेस। ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वाली वीडियो थोड़ी बाद में आएगी, स्लीपिंग डॉग्स की पहले आ जाएगी, तो मतलब स्लीपिंग डॉग्स ख़त्म हो चुकी होगी जब आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे पता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, कहीं के बोर्ड चल रहे हैं, कहीं के प्री बोर्ड चल रहे हैं, पर चलो कोई चक्कर नहीं, मुझे पता है कि आप लोग थोड़े व्यूज़ में जो कम आ रहे हैं, व्यूज़ इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, कोई नहीं एग्ज़ाम दे लो अच्छे से, वीडियो तो आती रहेंगी यार, एग्ज़ाम पे जरा फोकस करो, ठीक है। अपन तो यहीं रहेगा यार, हमारे एग्ज़ाम तो चले जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम्स के लिए पूरा मन लगा के पढ़ो और बेस्ट ऑफ लक मैं आप लोगों को विश करता हूँ, आपके बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे, टॉप करोगे आप स्टेट में और अपने इलाके में, क्या पता इंडिया में टॉप कर जाओ यार, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं बोलूँगा आपको अगली वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ, पीस ओवर एंड आउट, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए, बाय।